हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 31 और 32। नायम लोकोस्ति यज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्राह्मणो मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। भगवान इन दो श्लोकों में बता रहे हैं कि यज्ञ के बिना मनुष्य को इस जीवन में भी, इस जन्म में यहाँ पे सुख नहीं मिलेगा तो बाद में कैसे मिलेगा उसको। यज्ञ कैसे करना है वो भगवान ने बताया, अलग अलग यज्ञों के बारे में बताया। और फिर यज्ञ जो है वेद सम्मत है, अपने मन से यज्ञ नहीं करना। तो यज्ञ से क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। कोई बोलेगा ऐसे कैसे मिलेगा? यज्ञ ज्ञान से किया जाता है। आगे श्लोक में दो श्लोक बाद भगवान बताएंगे कि वो ज्ञान कहां से मिलेगा और कैसे मिलेगा। अब देखिए, जो व्यक्ति अज्ञानी है वह क्या करेगा? अज्ञानी व्यक्ति गलत ही करेगा, इसीलिए तो अज्ञानी है। और गलत क्या है? अगर सही करना यज्ञ है, पुण्य है, भक्ति है, तो गलत क्या है? पाप करना है। तो आज सारा संसार पाप में जीवन जी रहा है। पाप करने से होता क्या है? आगे तो हमें जो दुख मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन इस जीवन में भी पाप करने से हमारे आसक्तियां बढ़ती हैं इस संसार में। इस संसार से हमारा कोई मतलब नहीं है। यहां हम आए हैं, छोड़ के हमको जाना है। आप नहीं छोड़ेंगे तो भी आपको भगा दिया जाएगा, यहां रह नहीं सकते, आपको यहां से निकाल दिया, सिचुएशन बदल दी जाएगी। बाहर निकाल दिया जाए मतलब मनुष्य का जीवन है, कल पशु का जीवन मिल जाएगा, कोई वृक्ष का शरीर मिल जाएगा। आपको एक परिस्थिति में रहने नहीं मिलेगा। अगर मनुष्य भी मिला अगले जन्म में तो आपको यहाँ से जो इस परिस्थिति में जो आपने बनाया है, जिन चीज़ों से, जिन लोगों से आप आसक्त हैं, उनसे तो आपको दूर कर दिया जाएगा। इतना तो बुद्धि रखना चाहिए, लेकिन ये नहीं रख सकते हम, क्योंकि पाप में जीवन जी रहे हैं। और पाप क्यों हो रहा? अज्ञानता से। तो देखिए, अज्ञानता है उसके कारण पाप हो रहा है। पाप का फल क्या हो रहा है? भौतिक संसार में आसक्ति। अब इसका उल्टा हमको चाहिए, हमको मोक्ष चाहिए। भौतिक संसार में आसक्ति का उल्टा क्या होगा? भौतिक संसार से मोक्ष प्राप्त करना। तो कैसे होगा? पापमय जीवन को भक्तिमय जीवन बनाना पड़ेगा। सिंपल लॉजिक है। पाप का उल्टा करो, भक्ति करो। सिर्फ पुण्य से तो भौतिक संसार में रहेंगे, भक्ति से मोक्ष मिलेगा। अब भक्ति कैसे होगी? यज्ञ से, ज्ञान से। अज्ञानता से पाप हो रहा है, ज्ञान से भक्ति होगी। किस तरह का ज्ञान? भगवान ने भगवद गीता के शुरू से लेकर अंत तक इसको बताया है कि हम भगवान का अंश है। ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। तो भगवान से हमारा संबंध कोई तोड़ नहीं सकता। हम भूल गए हैं इसलिए विमुख हो गए हैं, हमने अपना मुंह उल्टा घुमा दिया है। तो वही ज्ञान हमको प्राप्त करना है। वो कैसे प्राप्त होगा? वही भगवद गीता में बताया गया है। अच्छा, ये ज्ञान जो है ये पशु पक्षी नहीं प्राप्त कर सकते। आप अपने कॉलोनी में या मोहल्ले में कहीं पे भी आप कुछ पशुओं को लीजिए, कुछ पक्षियों को बैठाइए, उनको भगवद गीता समझाइए, उनको समझ में आएगा, सुन भी लेगा। जबरदस्ती मान लो भला तो होगा, गीता के श्लोक सुनेगा भला होगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा, कुछ कर नहीं पाएगा ज्यादा। तो ये ज्ञान मनुष्यों के लिए है। तो इतने अलग अलग योनियों में घूमने के बाद मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, उसमें ये ज्ञान लेके अगर हम मोक्ष नहीं प्राप्त करते हैं तो फिर कितना बड़ा नुकसान है, सोचिए हमारे लिए। तो ज्ञान प्राप्त करना है, उससे भक्ति में जीवन जीना है। भक्ति में कोई पाप नहीं हो सकता। भक्ति में जीवन जिएंगे, जैसे हमारे आचार्यों ने, जैसे शास्त्रों में, जैसे भगवान ने बताया, उस प्रकार से जिएंगे तो फिर मोक्ष की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो उसके अभाव में क्या होगा? अज्ञानता में जिएंगे, पाप में जीवन जिएंगे और संसार में और आसक्त होते जाएंगे। तो इसीलिए इस आसक्ति से निकलने के लिए, और ये आसक्ति क्या देती है हमें? दुख देती है। क्यों?
किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति आप आसक्त हो, वो मिलेगा तो आसक्ति बढ़ेगी, लेकिन कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, वह व्यक्ति या वस्तु आपसे अलग कर दिया जाएगा, वो आपके वश में नहीं है। तो जितनी ज्यादा आसक्ति होगी अलग करने पर, उतना ज्यादा दुख होगा। कभी बैंडेज चिपकाते हैं ना, तो यहाँ पे बैंडेज चिपकाए तो जल्दी निकल जाता है, यहाँ पे चिपकाए तो देर से निकलता है। तो जितना ज्यादा आसक्ति होगी उतना अलग होने में दुख मिलेगा, इसीलिए लोग संसार में दुखी हैं। तो सुख प्राप्त करना है तो भक्ति, और उसके लिए चाहिए ज्ञान, और वो ज्ञान कहाँ पे है? श्रीमद् भगवद्गीता। हरे कृष्ण।